वैदिक घड़ी। देखिए, जानिए और समझिए कि भारत में सभी वस्तुओं को कैसे कैसे नष्ट किया गया। पूरा अवश्य देखिए। 12 बजे के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ है। उसका अर्थ होता है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। एक बजने के स्थान पर ब्रह्म लिखा हुआ है। उसका अर्थ होता है कि ब्रह्म एक ही प्रकार का होता है। एको हम द्वितीयो नास्ति। 2 बजने के स्थान पर अश्विनो लिखा हुआ है। उसका तात्पर्य है कि अश्विनी कुमार 2 हैं। 3 बजने के स्थान पर त्रिगुणा लिखा हुआ है। उसका तात्पर्य होता है कि 3 गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। 4 बजने के स्थान पर चतुर्वेदा लिखा हुआ है। उसका तात्पर्य है कि 4 वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 5 बजने के स्थान पर पंच प्राण लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि 5 प्रकार के प्राण होते हैं, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। 6 बजने के स्थान पर षडुशाह लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। 7 बजने के स्थान पर सप्तर्षय लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है 7 प्रकार के ऋषि हुए हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। 8 बजने के स्थान पर अष्ट सिद्धि लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि सिद्धियां 8 प्रकार की होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व। 9 बजने के स्थान पर नव द्रव्याणि अभियान लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है कि 9 प्रकार की निधियाँ होती है, पद्म, महापद्म, नील, शंख, मुकुंद, नंद, मकर, कश्यप, खर्व। 10 बजने के स्थान पर दशदिशः लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नेय, आकाश और पाताल। 11 बजने के स्थान पर रुद्र लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि रुद्र 11 प्रकार के हुए हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर, बुर्धन्य, शंभु, चंड और भव। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।